नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 1 फरवरी यानी गुरुवार का दिन है कल, और कल बेहद खास है क्योंकि कल इस देश में एक बार फिर से केंद्रीय बजट यानी आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे। अब जाहिर तौर पर बजट का मामला है तो सबकी निगाहें भी इस पर टिकी होंगी। ये बजट इसलिए भी इस बार बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो जीएसटी लागू होने के बाद से खासतौर पर, या आर्थिक सुधार के सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं उसके बाद से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा मार पड़ी है पिछले, अगर हम एक साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको अब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बजट में सरकार कुछ खास करेगी। और खास करेगी क्योंकि सरकार लगातार कहती रही है कि हम लोक लुभावन बातें नहीं करते, हम आर्थिक सुधार पर फोकस कर रहे हैं जो भारत के आर्थिक भविष्य को उज्जवल बनाए। और इसीलिए, लेकिन इस बार जरूर सरकार कुछ लोक लुभावन कर सकती है, इसलिए क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव में फिर से जाएगी सरकार और उससे पहले यह बजट लोगों को खुश करने के लिए कुछ हो सकता है, कुछ खास हो सकता है, बड़े तोहफे मिल सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए और एक अंदाजा लगाते हैं कि आखिर कौन कौन से खास कदम सरकार उठा सकती है। एक फरवरी गुरुवार, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश करने वाले हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार वित्त वर्ष में क्या खास करेगी, कितना करेगी और कैसे करेगी, ये तमाम बातें इस बजट से साफ हो जाएंगी। बजट से सभी प्रदेशों और समाज के हर तबके को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि इस बजट में सरकार लोक लुभावन फैसले कर सकती है। आम लोगों के लिए कुछ तोहफे हो सकते हैं क्योंकि अगले साल सरकार को चुनाव में जाना है। किस तबके के लिए बजट में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है ये देखते हैं। मजदूरों के लिए, असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें 47 करोड़ लोग शामिल हैं, इनके लिए पीएफ और स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा सकती है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंडेक्स नंबर कार्ड यानी यूबिन कार्ड लाने की योजना सरकार की। रियल एस्टेट, नोटबंदी, रेरा और जीएसटी की वजह से यह सेक्टर तगड़ी मार खा चुका है। इसे बूस्टर के लिए होम लोन इंटरेस्ट रेट में बदलाव हो सकता है। टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख हो सकती है। सैलरीड वर्क, टैक्स स्लैब खासतौर पर इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस वर्ग के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख होने की उम्मीद है, तो 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट भी 2 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। घर खरीदार, इनके लिए बजट में बड़ा तोहफा हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में फिलहाल 6 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए घर का अधिकतम आकार 60 वर्ग मीटर है, इसे 10 से 15 मीटर और बढ़ाया जा सकता है, जिस पर 6.5% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स हैं जिन्हें बजट में इस बार कुछ खास मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि बजट में इतनी सारी चीजें होती हैं जो शायद एक खबर एक रिपोर्ट में दिखाना संभव नहीं है, हमने कुछ 3-4 सेक्टर्स की बात की है, लेकिन ये वो खास वर्ग है जिसमें देश की सबसे बड़ी आबादी आ जाती है, चाहे 47 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो मजदूरों का होता है, असंगठित क्षेत्र 47 करोड़ की लगभग संख्या है जो इसमें आते हैं। सैलरीड वर्ग, सबसे ज्यादा अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्स पर, टैक्स स्लैब पर सबसे ज्यादा निगाह ये वर्ग टिकाकर रखता है क्योंकि इसे लगता है कि जितनी ज्यादा छूट मिलेगी उसके लिए बेहतर हो सकता है, या निवेश पर क्या छूट मिल सकती है। घर खरीदार हो, रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा यह मामला है तो यह बहुत ज्यादा प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को, इस पर इसे बूस्टर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि बहुत बुरी तरह से पिटा है पिछले, अगर हम 1-2 साल या 3 साल में कहें तो, रियल एस्टेट सेक्टर। यहां तक भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो पिछले 6-7 साल पहले जो हुआ करती थी वहां गिरकर जा चुकी है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है, क्या बेहतर सरकार कर सकती है इस बार, और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता संजय टाइगर जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सरोज तिवारी जी हैं, और टैक्स के मामले में एक्सपर्ट मनोरंजन चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर।
तो इन सारे मेहमानों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि उम्मीदें क्या हैं लोगों की, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में और शुरुआत हम मनोरंजन चौबे जी आपसे ही करेंगे, टैक्स के मामलों के एक्सपर्ट हैं और चूंकि टैक्स लैब पे, चलिए मनोरंजन जी से शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है, इसलिए हम फिलहाल हम एक बार जानकारी ले लेते हैं बाकी लोगों से, बीजेपी के पास आखिर में जाएंगे क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है तो उनसे बाद में पूछेंगे। पहले मृत्युंजय तिवारी जी, जरा आप बताएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले का ये जो बजट होगा ये जाहिर तौर पर बहुत खास बजट होगा। अब तक मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि लोक लुभावन वादे नहीं करते, वो ऐसी योजनाएं ले आते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं कि भविष्य में भारत एक सशक्त राष्ट्र बने। क्या लगता है कि इस बार के बजट में क्या जरूरत है जो इस वक्त देश को चाहिए? देखिए, पिछले तीन वर्षों से मोदी जी की सरकार ने जो बजट पेश किया, वो जो अच्छे दिन के सपने दिखा करके वो देश की सत्ता में आए थे जी, उस पर बहुत बड़ा झटका लगा देश की जनता को, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को। तो अभी तक तीन वर्षों में तो निराशा ही निराशा दिखी है। इस बार चूंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी बजट होगा तो कुछ राहत मिलेगा, हम लोगों को तो बिहार के हैं और बिहार की जनता आस लगाए बैठी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में 2015 में बिहार की बोली लगाई थी, कितना दूं, 125 करोड़ का पैकेज, कितने लंबे पैकेज, बड़े बड़े पैकेज की घोषणा कर दी, लेकिन उसका अभी तक कहीं अता पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी पाला इसलिए बदल लिया कि डबल इंजन, उन्होंने कहा कि अब केंद्र में और बिहार में सरकार एक होगी तो विकास होगा, डबल इंजन लगेगा, वो भी नहीं दिख रहा है। लंबे अरसे से मांग होती आ रही है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, तो बिहार को तो पिछले तीन वर्षों में निराशा हाथ लगी, देश की जनता को भी निराशा हाथ लगी है। तो अब कल देखना है क्या होता है, ये तो जब बजट पेश होगा इसके बाद ही विशेष रूप से बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए और बिहार का जो पैकेज की घोषणा हुई थी और जो विशेष राज्य की दर्जे की मांग थी उस पर सबकी निगाहें हैं, इसलिए जो भी परियोजनाएं, चलिए यानी आपकी नजर सिर्फ इस बात पर ही टिकी हुई है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं, इससे आगे नहीं। विशेष नहीं, विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ जो केंद्रांश है, जो राज्य का हिस्सा है, उसमें भी कटौती किया जा रहा है हर विभाग में। जो लालू प्रसाद जी के समय रेल मंत्री काल में जितनी परियोजनाओं की यहां हुई थी वो भी ठप पड़े हुए। चलिए सरोज तिवारी जी, सरकार कुछ चीजें हैं जो सरकार कह रही है, जैसे अभी हम बता रहे थे कि असंगठित क्षेत्र के लिए, जिस पर अब तक उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं की गई है, जो सरकार का इस बार फोकस है कि ये किया जाए, 47 करोड़ के करीब लोग हैं, तो क्या नहीं लगता है कि सरकार उन चीजों पर फोकस कर रही है जो शायद अब तक पिछली सरकारों ने नहीं किया है? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि कल जो बजट आएगा, मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूं कि ये आखिरी बजट होगा, इस पूर्णकालिक बजट होगा इस सरकार का जी। लेकिन उसमें लोक लुभावन वादा होने का चाहेंगे जरूर, लेकिन ये गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा है जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, लगभग 5 लाख करोड़ का घाटा है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है वो 1.9 लाख करोड़ का टारगेट था, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 1 लाख करोड़ का उगाही अभी तक हुआ है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस से ही आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में भले आप दिखा सकते हैं बेनिफिट है, उसके लिए भी आपको टैक्स स्लैब जो बढ़ाने की बात है वो बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि 7th पे कमीशन लगा है तो ऑलरेडी टैक्स बढ़ इनकम बढ़ चुका है, तो अगर बहुत लोअर स्लैब रहेगा तो उसमें गवर्नमेंट को, लोगों को, आम लोगों को परेशानी होगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए असंगठित क्षेत्र, आपको जानकारी के लिए बता दें कि एग्रीकल्चरल सेक्टर और आपका जो विनिर्माण क्षेत्र है, ये दोनों बहुत ज्यादा, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है, ये दोनों बहुत ज्यादा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार देते हैं, लगभग 49-50% के आसपास तो जो टोटल रोजगार है उसमें कृषि का योगदान होता है, और लगभग 50% की कमी है कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और ये एक बहुत भयावह स्थिति है। और इस स्थिति से निपटने के लिए आप अगर कहेंगे पूर्व की कांग्रेस सरकार, तो मैं थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूं कि 4.2% का विकास दर था कृषि में भी और विनिर्माण क्षेत्र में भी, 4.2% का ही विकास दर थ्रू आउट 10 ईयर्स रहा,
और अभी वर्तमान तीन साल में 1.9% कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में गिरा है और 3.5% का कृषि 2.4% का कृषि विकास दर चल रहा है। और जो एमएसपी पे भी 50% प्लस करने का और दोगुना करने का वादा था मोदी सरकार का, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता। सरोज तिवारी जी, सरोज तिवारी जी, दरअसल हम ये कह रहे थे, बात कर रहा हूँ आज, नहीं ये भी तो हो सकता है कि सरकार के पास, चूंकि टैक्स सुधार की सरकार ने जब बात की थी, टैक्स प्रणाली में सुधार की, उसके बाद ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास अभी तो रूप का पत्ता है। सरकार लगातार बैंक पर दबाव बना रही है कि आप जो लोन है, जो कर्ज है, सस्ता करें। सरकार बहुत सारे उपाय कर सकती है जो रियल एस्टेट को बूस्टअप कर सके। करना चाहिए, ये करेंगे कितना, चूंकि वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। अगर ये नहीं करेंगे तो लोगों की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्रिसिल, फिक्की और इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि हमारे यहाँ क्या जॉब लेस हो जाएंगे हम लोग, जॉब बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्या, या जो आधुनिक तकनीक भी है क्या वो उसका समन्वयन हो रहा है क्या रोजगार जनरेशन के साथ, चूंकि आधुनिक तकनीक की हम बात तो कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसका समन्वयन रोजगार के जनरेशन के साथ नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में, ताकि ये चर्चा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा और काम की बात मैं बोल देता हूं और उसके बाद चर्चा हमारी चलती रहेगी, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। अभी आप ये भी जान लीजिए कि जो 1,00,000 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कलेक्शन हुआ है, उसमें भी 3 महीना एडवांस जीएसटी जमा है। 3 महीना जो एडवांस अब व्यापारियों से जीएसटी लिए, वो किसी सूरत में 31 जनवरी तक का जब कैलकुलेशन आएगा, तब तक में भी ये 1.9 लाख करोड़ नहीं होना, यानी 90,000 लाख करोड़ के लगभग का शॉर्टफॉल रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल, इसीलिए हमारे साथ हैं, घट जाएगी, बिल्कुल हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि क्या इसमें सरकार उपाय निकाल सकती है। बिल्कुल, ये सब बातें हैं। चलिए बात करते हैं हम आपके, बीजेपी और जेडीयू के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मनोरंजन चौबे जी, जरा बताएं, चूंकि टैक्सेस को लेकर बात हो रही थी, टैक्स प्रणाली में सुधार के बाद सरकार इस बात से उत्साहित है कि टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है, जैसा कि सरकार कह रही है, क्या लगता है, चूंकि हमने देखा है कि मोदी सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा राहत नहीं दी है, टैक्स छूट में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट की सीमा है फिलहाल, लेकिन अभी क्या स्थिति लगती है, क्या सरकार टैक्स छूट में बहुत ज्यादा सीमा बढ़ा सकती है, या फिर निवेश में छूट का बहुत ज्यादा प्रावधान हो सकता है, या दूसरे तरीके से सरकार बेनिफिट देने की कोशिश करेगी? देखिए, ऐसा सरकार जो है टैक्स पे लगाए है, उसको तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, 3 लाख का लिमिट बहुत कम है। मनोरंजन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? कम से कम हाँ बिल्कुल आ रही है, 5 लाख कम से कम करना चाहिए इसका मिनिमम स्लैब। और जहां तक है निवेश की बात, तो निवेश में कुछ और भी इजाफा करना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या लगता है वर्तमान आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत दे रही है, 5 लाख रुपए तक सरकार मुमकिन कर सकती है कि 2.5 से सीधे डबल कर दे, दोगुना कर दे? 2.5 से डबल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें 7th पे कमीशन होने से लोगों का सैलरी भी बढ़ गया, और तो ज्यादा से ज्यादा तो टैक्स हमारा सैलरी से ही आता है, और बाकी जो भी क्लास है वो पूरा इनकम तो दिखाते नहीं है जी। चलिए, यानी आपको लगता है कि सैलरी में जो ये टैक्स जो है उसकी सीमा यहां तक बढ़नी चाहिए, हालांकि फिर भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है। राजीव रंजन जी, क्या लगता है आपको, चूंकि जो ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है आर्थिक सुधारों का बजट पेश अब तक करती रही है, लेकिन इस बार लोक लुभावन बजट की उम्मीद की जा रही है, क्या उम्मीद आप करते हैं? टैक्स में छूट की उम्मीद कर रही है जेडीयू, या जेडीयू सरकार से ये उम्मीद करती है कि नहीं आर्थिक सुधार के जो प्रयास हैं वो जारी रहें? देखिए, आर्थिक सुधारों की जो यात्रा है वो जारी रहना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक अनिश्चय का दौर है, और जो दो बड़े आर्थिक फैसले हैं अब उसके सकारात्मक परिणाम दिखने की उम्मीद लोगों के अंदर जगी है। और आज हिंदुस्तान की आजादी के 70 वर्षों में जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन दो ऐसे बड़े फैसले हैं जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर थी, और इन फैसलों को अब धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी ये मानना है कि इसके जो तात्कालिक दुष्परिणाम थे अब वो दौर बीत सकता है और कुछ अच्छे नतीजे दिखने लगेंगे। हमारा ये मानना है कि इस बजट से एक राज्य की अपेक्षाएं, एक व्यक्ति के तौर पर क्या अपेक्षाएं हो सकती है, और देश को
की जरूरतें क्या है, तो निश्चित तौर इसमें एक समन्वय साधने की जरूरत है। हमारे राज्य की ओर से बार बार ये कहा जाता रहा है कि हम टैक्स हॉलीडेज की बात करते हैं, करों में रियायत की बात इसलिए करते हैं कि बिहार को एक बड़े औद्योगिक छलांग की जरूरत है और औद्योगिकरण के लिए निवेशकों को ये भरोसा पैदा करना होगा कि बिहार जैसे राज्य में आने के लिए उन्हें करों में रियायत का अवसर मिल सके। दूसरी तरफ जो जीएसटी की दरों को लेकर के संकेत हैं कि 12 और 18 परसेंट के जो दो स्लैब्स हैं उनके बीच का रास्ता निकाला जाए, तो एक मैन्युफैक्चर ये एक कंज्यूमर इकोनॉमी के स्टेट के हिसाब से बिहार के लिए वो निश्चित तौर पर एक फायदेमंद राह पर ये बजट ले जा सकता है अगर जीएसटी के दोनों स्लैब्स के बीच का रास्ता निकले। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी जो करेंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात अभी कांग्रेस की ओर से कही गई, लेकिन 60 वर्षों का कांग्रेस का शासन है और इस शासन में जिस तरह से अर्थव्यवस्था खोखली और पंगु होती गई, पूरी तरह से राज्यों एक जो संघीय ढांचे में जो ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट, जो सकल बजट समर्थन जिसको हम कहते हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच निधि का जो वितरण होता है उसमें राज्य बिहार जैसे राज्य किस तरह से उपेक्षित रहे हैं, इस बजट के जरिए केंद्र से हमारी अपेक्षा है कि जब दोनों जगह समान गठबंधन की सरकारें हैं तो बिहार में जो राज्यांश का सवाल है निश्चित तौर पर उसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है महत्वपूर्ण इसलिए भी है, असर कम हो। बिल्कुल, सरोज तिवारी जी के पास हम जाएंगे, लेकिन सरोज तिवारी जी उससे पहले हम आपसे ये कह दें कि ये कहा जाता है और तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते रहे हैं कि अगर टैक्स प्रणाली में सुधार शायद आज से एक दशक दो दशक पहले हुआ होता तो आज जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या ठीक डबल होती, जो कि शायद एक बहुत बड़ी चूक थी। ये तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये बार बार कह चुके हैं। खैर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन संजय टाइगर जी पहले आप जरा इस पर हम बता दें, केंद्र सरकार, आप चूंकि बीजेपी में हैं इसलिए आपकी बात खासतौर पर महत्वपूर्ण है कि आपको क्या लगता है केंद्र सरकार लोक लुभावन बजट पेश करने जा रही है इस बार? देखिए, जो अगला बजट होगा हम उम्मीद करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने वाला होगा और मजबूत करने वाला होगा और आम मानवीय जो जीवन है, सामान्य व्यक्ति हैं, उनके जीवन में सुधार लाने वाला होगा, उनके जीवन में विकास लाने वाला होगा। और देखिए, सरकार के दूरगामी जो निर्णय हुए हैं और सरकार की जो दृष्टि रही है उसी का परिणाम है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार हम चली गई और हमें विरासत में वह सरकार मिली तो ग्रोथ रेट 4.7 था और वो बीच के खाल खंड में बढ़ के 7 तक गया। बीच के दो निर्णयों में उसमें गिरावट आई, 6 के पार अभी है और मैं मानता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में ये 7 को पार कर जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो 8 से 12 था वो घट के 6% पे आया। फॉरेन रिजर्व था वो 304 मिलियन था, वो 400 से ऊपर चला गया। FDI जो 3.57 था वो 6.3 से आगे गया मिलियन डॉलर, और टैक्स देने वालों की संख्या जो 3.7 करोड़ थी वो 6 करोड़ से ऊपर चली गई है। और मुद्रा ऋण के जरिए अब तक 8 करोड़ लोगों को ऋण दिया जा चुका है, जिससे करोड़ों रोजगार सृजन हुआ है। तो जो पहले सरकार के निर्णय है उसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, रोजगार का अवसर मुहैया कराया है और मुझे लगता है कि यह बजट भी दूरगामी परिणाम वाला होगा, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला होगा और मानवीय जीवन को बेहतर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने सबसे आखिर में आपसे संजय टाइगर जी, क्योंकि मुझे पता था कि आप ये आंकड़े जरूर जोड़ेंगे और इसीलिए मैंने उससे पहले कहा भी था सरोज तिवारी जी कि आपको क्यों लगता है कि सरकार उत्साहित नहीं है? अगर सरकार को लगता है कि टैक्स पेयर्स की संख्या पिछले 3 साल में या 4 साल में सरकार ने डबल कर दी है तो आपको क्यों लगता है कि सरकार उत्साहित नहीं है अपने फैसले पर? नहीं, एक बात मैं और बताकर खत्म करता हूं, आप बोलेंगे। देखिए, चूंकि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे हैं, तो जो फेडरल सिस्टम में कठिनाइयां हैं, राज्यों को जो कठिनाइयां होती है उसको समझते हैं। इसीलिए जो केंद्रीय राज्य कर होता था उसमें जो राज्यों का हिस्सा 32% होता था उसको बढ़ाकर 42% किया गया है और योजनाओं के चयन का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। तो ये सरकार एक टीम इंडिया के रूप में काम कर रही है। देखिए, बहुत सारी विदेशी एजेंसीज या राज्य सरकार को विश्वास में लेकर और बेहतर समन्वय बना करके काम, बहुत सारे आंकड़े ऐसे हो सकते हैं संजय टाइगर जी, लेकिन हम अलग अलग सेक्टर्स पे बात करेंगे तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं और अब तक रहे हैं। खैर, उससे पहले सरोज जी, अब मुझे बोलने दीजिए।
एक जो जीडीपी का आंकड़ा दे रहे थे 4.7% लास्ट 2013-14 का, इन्होंने उसके बाद जब मोदी सरकार आई थी नया रेटिंग आधार वर्ष बना था, और उसके बाद अभी इन्हीं का भारत सरकार उसको सुधार के 6.9% कर चुका है, अपडेट होना चाहिए, क्योंकि पुराना जो अगर आप आधार वर्ष चेंज करते हैं तो वो सुधर जाता है, और वो सुधर गया है। और उसके बाद अब आप आ जाइए जो अभी वर्तमान में 2015-16 में 8% का जीडीपी था, 2016-17 में वो 7.1% का जीडीपी हो गया, 17-18 में 6.5% का जीडीपी हो गया, जो लगातार गिर रहा है। गिरने का वजह आपका नोटबंदी रहा, जो अनप्लैंड नोटबंदी रहा। नोटबंदी बुरा नहीं था, इसका हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। आपका एटीएम तैयार नहीं था, आपका नोट तैयार नहीं था, आप नोटबंदी किए थे। खैर, अब एक तिमाही में ग्रोथ रेट का आकलन नहीं हो सकता, आप एक दो तिमाही इंतजार करिए, ग्रोथ रेट 7 के ऊपर जाएगा। जीएसटी पे कांग्रेस नहीं कह रही, की कह रहा है आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 15-16% का एक ही टैक्स स्लैब होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब यहाँ 5% से 28% तक का आप किए थे, बार बार चुनाव देख करके। हम भविष्य पे चलते हैं ना सरोज तिवारी जी, एक एक प्रोडक्ट वाइज शिकायत गिनाने की बात नहीं है, बात ये है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय 60 वर्ष आपको अवसर मिला था, कांग्रेस 60 वर्ष बजट आपने पेश किया था, क्या आदेश का हालात रहा है? प्लीज एक मिनट, और कांग्रेस पार्टी शिकायत गिनाने नहीं आई है, कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी रही है, उसको मालूम है सत्ता शासन कैसे चलना चाहिए, गरीबों का भला कैसे होना चाहिए। खूब गरीबों का भला किया है आपने, हमने सलाह दिया था जीएसटी पे। जीएसटी किसका कॉन्सेप्ट था? आप एक प्रश्न किए थे कि टैक्स का क्यों नहीं 10-15 साल पहले से सुधार हुआ, वैट कौन लाया था, वैट एक टैक्स सुधार। अरे आप कहां कानून बना पाए, और आप सबकी सहमति थी, आप कानून कहां बना पाए नहीं थी। और उसके बाद आ जाइए कि आप नहीं, सरोज तिवारी जी, सरोज तिवारी जी, फिर क्या वजह है कि तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, आप वैट लेकर आए थे, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट ये कहने को क्यों नहीं तैयार है कि आपने टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ा पाए, क्यों नहीं सहमति बना पाए जीएसटी पर? नहीं फील हो रहा है, सहमति हमने बनवाया, आप कानून क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि आप अपनी सरकार फ्लॉप हो चुका है, और ये सच्चाई है, मानिए, लोग भी महसूस करने लगे, अर्थशास्त्री महसूस करने लगे, अब किसका आप भरोसा कर रहे हैं? और आपकी अभी रेटिंग एजेंसी चली जाएगी, फिजिकल डेफिसिट इतना बड़ा हुआ है कि अब आपका रेटिंग गिरने वाला है, और जो पुरानी रेटिंग को आप हवा बना रहे हैं, सब चीज में झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत बिल्कुल, मृत्युंजय तिवारी जी के पास एक बार चलते हैं। नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जनता ने क्या मैंडेट दिया? संजय टाइगर जी चुनावी बातें नहीं, संजय टाइगर जी चुनावी बात नहीं, मृत्युंजय जी तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कह रही हैं, लोग नाराज होते तो सरकार को समर्थन पैसे देते, 4 गुना ज्यादा किसान आत्महत्या। सरोज तिवारी जी, सरोज जी मृत्युंजय जी को बोलने दीजिए, नाराज होते तो इस सरकार को नरेंद्र मोदी को समर्थन क्यों देते? आज तक आज जो हम लोग बहस कर रहे हैं, कल बहस करेंगे। सरोज जी मृत्युंजय जी को बोलने दीजिए, सरोज जी मृत्युंजय जी को, मृत्युंजय जी से सवाल, मृत्युंजय जी जरा एक बात बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज कह रही हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था की पटरी पर आगे बढ़ रही है, अच्छे से बढ़ रही है, एक मिनट सरोज जी, एक मिनट मृत्युंजय जी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज तारीफ कर रही हैं कि सरकार सही दिशा में जा रही है, अर्थव्यवस्था की पटरी पर सही चल रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो लगता है सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आम लोगों के मन में एक बात यह है कि सरकार ने पिछले 4 साल में बजटीय प्रावधान में रेलवे के लिए बहुत सारी बातें की कि रेल में बड़े सुधार होंगे, लेकिन वो दिखा नहीं, और लोग यहां तक कह रहे हैं कि 2019 में अगर सरकार को सबसे ज्यादा नाराजगी झेलनी पड़ेगी तो रेलवे की वजह से। क्या आपको लगता है कि इस बार के बजट में सरकार कुछ ऐसा विशेष कर सकती है जो उम्मीद या फिर ऐसी संभावना? देखिए, अब वित्त मंत्री जी के पिटारे में क्या है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, कल खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है, हमने पहले भी कहा कि पिछले 3 वर्षों में जो इन्होंने बजट पेश किया, हम आंकड़ों की बाजीगरी में आम जनता को उलझाना नहीं चाहते हैं, वो कितना, लेकिन हम उन्हीं एजेंसियों के आधार पर मानते रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। जनता पूछ रही है कि नहीं, जनता पूछ रही है आज गैस सिलेंडर का क्या दाम हो गया, आज किरासन तेल का क्या दाम हो गया, जनता ने उसका जवाब दिया है, पेट्रोल का क्या दाम हो गया, जनता लगातार जवाब दे रही है, क्या दाम हो गया, सब्जी का क्या दाम है, अन्न का क्या दाम है, किसान किस तरह से आत्मदाह कर रहे हैं, इसका जवाब इनके पास नहीं है, युवा किस तरह से भटक रहे हैं, रोजगार का ये चुनौतियां हैं। राजीव रंजन जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, जिन सवालों को उठा करके आप सत्ता में आए थे उसका जवाब आपको, राजीव रंजन जी, क्या सरकार उन सेक्टर्स की चुनौती का सामना इस बजट में कर पाएगी? रेल का आपने कवड़ा निकाल दिया,
रेल का आपने कवाड़ा निकाल दिया लालू प्रसाद जी के समय में, कभी किराया 5 वर्ष तक। राजीव रंजन जी, क्या संभव है कि इस एक बजट के जरिए सरकार वो तमाम चीजें दुरुस्त कर सके जो अभी तमाम सेक्टर्स में बाकी रह गए, खासतौर पर रेलवे का अगर हम जिक्र कर रहे हैं? देखिए, रेल बजट अब चूंकि अब आम बजट का हिस्सा हो चुका जी। है, तो निश्चित तौर पर रेल बजट से जो भी बिहार की लंबित परियोजनाएं हैं वो हमारी अपेक्षा है कि जरूर उस पर जो संसाधनों के अभाव में जो परियोजनाएं टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं उनके लिए केंद्र सरकार उसका प्रबंध करे। साथ ही साथ जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के जो चिंताएं हैं और जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे उन्होंने उस समय भी कॉर्पस फंड वगैरह की बात की थी, और एक बार फिर से इस सवाल पर एक बड़ी राशि के आवंटन की अपेक्षा इस देश को है। इस दिशा में एक साहसिक प्रयास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश उत्साह से लबरेज है, अपोजिशन केवल कुंठा से ग्रस्त है और अपने 60 वर्षों की नाकामियों को केवल आंकड़ों के जरिए अगर वो जुटलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं देश की जनता के विवेक को उन्हें कोशिश उसके उसका इम्तिहान लेने की कोशिश। चलिए, हमने एक संक्षेप में चर्चा की, बहुत छोटी चर्चा की हमने, कि ताकि पता चले कि लोग उम्मीद क्या करते हैं या मूड क्या है। देश की जिन राज्यों में भी चुनाव हुए हैं नोटबंदी के फैसले के बाद जनता ने पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़े होने का काम। सरोज जी माफी चाहेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आपने जो महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं वो लोगों ने सुना है और मुझे लगता है कि शायद सरकार भी सुन पाई होगी कि हाँ क्या क्या उम्मीदें हैं, विपक्ष क्या चाहता है इस बार। माफी चाहते हैं, बहुत संक्षेप में चर्चा हमने की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय तिवारी जी, राजीव रंजन जी, संजय टाइगर जी, सरोज तिवारी जी और मनोरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।